फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज फ्रेंड्स, आज मैं हलवाई जैसा खास्ता समोसा बनाने जा रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स समोसा स्टफिंग के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने तेल गरम कर लिया, इसमें मैं थोड़ा बादाम रोस्ट करके निकाल लूँगी। पहले रोस्ट कर लेंगे बादाम को, फिर हम लोग स्टफिंग वाले मसाला शुरू करेंगे। ये हो गए हैं, अब इसको निकाल के रख देते हैं। इसके बाद हम लोग स्टफिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ये तेल में मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 4 मिर्ची कट करके डाला है मैंने, और थोड़ा सा 1 मिनट रोस्ट हो जाए, सॉरी वो मिर्ची थोड़ा भुन जाए, तो हम लोग अदरक और लहसुन ले लेंगे। अदरक 1 इंच है और लहसुन 4 से 5 के लिए है, को काट लिया है। अगर लहसुन आपको पसंद ना हो तो ना डालें। और इसको 2 मिनट तक हो जाने के बाद थोड़ी सी लाल हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए, तो हम लोग फिर प्याज डालेंगे। प्याज मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का लिया है। इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होने तक, ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को, थोड़ी सी हो जाए तो फिर हम लोग इसमें 2 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच 1.5 हम लोग लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा भून जाए 2 मिनट तक, तो फिर हम लोग इसमें आलू डालेंगे। आलू को मैंने बॉयल करके उसको पील ऑफ करके मसाले सॉरी मैश करके रखा है। ये हो गया, तो हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। 5 से 6 आलू मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है पील ऑफ करके, और इसमें मैंने 1/2 चम्मच मंगरेला है और 1 चम्मच अजवाइन डाला है। अजवाइन को थोड़ा रब करके डालना, और 1.5 चम्मच नमक है, नमक आपके अनुसार, आप कितना खाते हो बस उसको, और अच्छे से मिलाएंगे, पूरा मिला लेंगे। 5 मिनट तक आलू को अच्छे से भून लेंगे। आलू को पूरे मैश नहीं करना है, पूरा मैश नहीं, थोड़ा दरदरा होना चाहिए, तभी स्टफिंग में थोड़ा मज़ा आता है। अब मसाला अच्छे से भुन जाए तो जो हम लोगों ने पहले रोस्ट करके रखा था उसको फिर से डाल देंगे, और उसके बाद भी 2 मिनट तक भून लेंगे मसाले को। अभी मसाला मेरा हो गया है, इसको अब ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम लोग डो बनाने के लिए जाएंगे। ये हो गए मेरे मसाला, अब इसको रख देंगे। ये मैं डो बनाने के लिए समोसे का डो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच मंगरेला और 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को एज यूजल रब करके डालेंगे, ये रब कर लिया, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक, बस उसके लेयर में थोड़ा सा नमक होना चाहिए, और ये बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर है। अब इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम लोग थोड़ा तेल यूज़ करेंगे। तेल को मैंने 4 चम्मच के लमसम डाला है इसको, और अगर आपको थोड़ा सा खास्ता, हलवाई जैसा खास्ता पसंद हो तो 1 चम्मच हम लोग इसमें शुद्ध घी डाल देंगे, और अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो शुद्ध घी नहीं डालना। अगर खास्ता आपको पसंद ना हो हलवाई जैसे, तो आप घी मत डालना, सिर्फ तेल का यूज़ करेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम लोग पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। और खास बात इसका क्या है कि इसका जो आटा हम लोग गूंथते हैं समोसे का, तो वो थोड़ा कड़ा होना चाहिए, नरम नहीं, ना थोड़ा टाइट हो तो समोसा अच्छा बनता है। थोड़ा सा अगर होगा तो उसमें बबल्स टाइप के उसके लेयर्स में, उसकी जो परत है समोसे की जो परत होती है उसमें बबल्स टाइप के आ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को समोसे का जो ये हम लोग डो बनाते हैं उसको एकदम टाइट कड़े कड़ा हम लोग को गूंथना होता है, तो हम लोग इसको कड़ा गूंथ लेंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया, अब हम लोग इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10-15 मिनट हो गए,
देखिए इसको मैंने इसका लोई बनाकर और इसको इस तरह से लंबे आकार में बेल लेंगे और बीच से इसको कट कर लेंगे। अब हम लोग इसका तैयार करेंगे इस तरह से। इसके किनारे को अच्छे से चिपका लेंगे ताकि ये फिलिंग जो स्टफिंग जो हमारी है वो बाहर ना निकले डीप फ्राई करते समय। तो अब चलिए इसको फिल करते स्टफिंग को डालते हैं इसमें। अब इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है ताकि फिल करने में दिक्कत हो और ये फट जाए, बस थोड़ा सा। और अब किनारे पे पानी लगाकर इसको हम लोग इसके किनारे को चिपका लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से अब उसी तरह से सारे समोसे को तैयार कर लेंगे हम लोग, इसी तरह चिपका कर और सारे स्टफिंग को स्टफ कर लेंगे, फिल कर लेंगे। और किनारे को चिपकाने में ध्यान रखेंगे कि उसका किनारा जो है अच्छे से चिपके। इसी तरह से सारे स्पून ये कर लेंगे तो फिर हम लोग डीप फ्राई करेंगे। हम देखिए ये मेरे इतने बन गए। अब हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए हम लोग कढ़ाई में, देखिए मैंने इतना डाल दिया है। अब थोड़ा 2 मिनट छोड़ने के बाद फिर हम लोग इसको पलट लेंगे। पहले थोड़ा फुल फ्लेम रखेंगे फिर इसको मीडियम कर देंगे ताकि ऐसा ना हो कि पहले ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो पूरी लाल हो जाए और अंदर वाले अच्छे से पके नहीं। इसलिए फिर इसकी फ्लेम को हम लोग मीडियम पे कर देंगे। अब ये हो गई है, अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसके कलर आ गए। अब लोग इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे कलर है, एकदम हलवाई जैसी, एकदम खास था। आप भी जरूर ट्राई करना खास्ता बनाने के लिए, ये बहुत अच्छे हम कुरकुरी खास्ता एकदम हलवाई जैसी बनी है। ये देखिए, और आप कोई भी चटनी इमली हो धनिया हो किसी के साथ भी आप सर्व करें और चाय के साथ मजा लें।